ओके, आइए बेटे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस बच्चे ने कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी इंपॉर्टेंट निकाली हैं। पहला प्रॉब्लम बेटे है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयरर मीडियम वन टू द डेंसर मीडियम टू। आपको रेयरर मीडियम जो है ये नंबर वन डाला हुआ है, एंड द डेंसर मीडियम जो है ये बेटे नंबर टू डाला हुआ है। स्टेटमेंट मैं रिपीट करूंगा एक तरीके से फिर से बेटा। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयरर मीडियम वन टू द रेयरर मीडियम टू बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आपको 45 दे रखा है उन्होंने, और फर्दर मोर क्या करना है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज 1.414, ये भी आपको दिया गया है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यू इंटेंड टू कैलकुलेट एंगल आर, ये रिक्वायर्ड है बेटे। डेटा सारे का सारा एक बार फिर से देखिए, आपका रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है। रेयरर मीडियम को आपने मीडियम नंबर वन बोला, डेंसर मीडियम को मीडियम नंबर टू बोल दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपके पास है, आपको एंगल आर निकालना है। एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम डियर? ओके, वी शुड अप्लाई स्नेल लॉ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर बेटा, है ना। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया है, 1.414 है ना, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है जी, एंड साइन आर आपको चाहिए, है ना पुत्र। अच्छा बेटा, ये वैल्यू थोड़ा थोड़ा आपको देख के याद आ रहा है, इट इज √2 है ना। अब मुझे यहाँ पे देखो, ये 45 दिया हुआ है, साइन 45 कितना होता है, हाफ होता है, ये 1/√2। यस, तो इसको भी मैं अगर √2 ही लिख लूं, बात तो एक ही है, आपका √2 जो है इट इज 1/√2 इनटू साइन ऑफ एंगल आर आ जाएगा बेटे। इसको साइन आर को मैं इधर एडजस्ट कर लेता हूं, साइन आर 1/√2 इंटू √2 आ गया जी, एंड साइन आर आ गया 1/2। कि कौन सा साइन ऑफ एंगल 1/2 होता है, कितने डिग्री साइन एंगल की वैल्यू बेटे 1/2 होती है, 30। सो एंगल आर आपके पास जो है दिस इज 30 डिग्री आपको मिल जाएगा, राइट जी। निकाल दो, ठीक है जी बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं पुत्र। स्नेल्स लॉ बेटे जो है, इट रिलेट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बेटा, राइट पुत्र। लाइए जी बेटे, कौन सा है अब आगे, बाकी बच्चे भी देख लो बेटे, आपका कोई डाउट वाली बात है, कोई मेडिकल वाली या कोई अदरवाइज, तो दैट कैन बी कंप्लीटेड, स्टिल वी हैव टाइम विद अस। 35 नंबर प्रॉब्लम है बेटे, सुनिएगा ध्यान से। इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। एक लेंस है, उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपको कैंडल दिया गया है, और इमेज उस कैंडल का लेंस के दूसरी साइड पे बन रहा है, राइट बेटे। इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, मतलब इमेज का साइज जो है H2 जो है 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम दैट इज H1 है। इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम
and the distance between the lens and the image is 80 centimeter. Lens and image. The distance between the lens and image is 80 centimeters. It means आपको v दिया हुआ है. Lens and image के बीच में distance आपका v ही होता है ना बेटा. It is 80 centimeters. At what distance should the candle be placed? आप candle कितने distance पे रखोगे from the lens? What is the nature of the image at a distance 80 centimeters from the lens? ये भी आपको उन्होंने दिया हुआ है. फिर से ध्यान दीजिएगा बेटा. The image of a candle flame formed by the lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. Lens का नाम उन्होंने नहीं लिया. If the image is 3 times the size of the flame and the distance between the lens and the image is 80 centimeters, आप अच्छे से जानते हैं हम कौन से इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल को. अब क्योंकि उन्होंने आपको बेटे देखो डायरेक्टली नहीं कहा इमेज रियल है, उन्होंने आपको कहा है कि इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन ऑन द अदर साइड. मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि इमेज आपका रियल है. अगर रियल है तो फिर ये नेगेटिव आना चाहिए, है ना बेटा, तो इन्वर्टेड ही होना चाहिए. और स्टेटमेंट को ध्यान से एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा. इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय द लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस द कैंडल शुड बी प्लेस्ड. लीजिए बेटी मैं निकालता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स. ये आपको सारा डेटा दिया हुआ था बेटा, आपको स्मॉल यू निकालना है और आप अच्छे से जानते हैं मैग्निफिकेशन बी अपॉन यू के बराबर होता है लेंसेज में. मिरर्स में माइनस वी बाई यू होता है ना बेटा, लेंसेज में इट इज वी बाई यू और मैग्निफिकेशन आपका एच टू बाई एच वन भी होता है ना बेटा. यहां से आप एच टू बाई एच वन निकाल लीजिए. एच टू बाई एच वन आपका माइनस थ्री हो गया. इसको मैं इस तरफ अगर ले जाऊंगा तो माइनस थ्री हो जाएगा ना बेटे. आपने वैल्यू ये वाली और ये वाली मैग्निफिकेशन की कंपेयर कर दीजिए, आपके पास आएगा वी अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू, सॉरी इट्स माइनस नहीं आएगा, वी अपॉन यू ही आएगा. लेट मी रीराइट दिस बेटा. वी अपॉन यू इज माइनस थ्री. It will indicate that आपका v जो है it is minus 3 times u. ठीक, यहाँ v तो आपको दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके u निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है. आप सीधा ही पुट ही कर दीजिए, v आपका 80 है, minus 3 times u हो गया जी, और u कितना बन गया 80 by 3 negative का, एंड माइनस कितना बना, सेवन कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल बेटे. यू कैन फाइंड आउट द साइज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द कैंडल फ्रॉम द लेंस. बाकी इसमें उन्होंने और कुछ नहीं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा, जो पूछा है बिहेव करके. डन बेटा, और बताइए पुत्र, और किसी भी बच्चे का कोई भी और डाउट हो तो आप यू आर मोस्ट वेलकम. All clear. हाँ जी, हाँ जी बेटे, मैं तो दे दीजिए बेटे, मुझे पेपर दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ. 44 बेटा, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स. नलिनी draws a ray diagram for an object in front of a concave mirror. पहली बात तो यह है कि आपको कंकेव
मिरर बच्चों दिया गया है, एक स्टूडेंट का नाम दिया गया है, उसने बच्चे ने कंकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम ड्रॉ किया है. नलिनी ड्रॉज ए रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कंकेव मिरर. शी ड्रॉज ए रे डायग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फॉलिंग ऑन द मिरर परपेंडिकुलरली. शी ड्रॉज ए रे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फॉलिंग ऑन द मिरर परपेंडिकुलरली. इसका मतलब ये हुआ कि कंकेव मिरर बच्चों आपका ये है, ध्यान दीजिएगा जरा, स्टेटमेंट में बाद में पूरा करता हूँ, पहले जो उन्होंने कहा है उसको देख ली एक बार. ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चों कंकेव मिरर का पेंटेड सरफेस हो गया. ये मान लिया हमने ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, जैसे हम ऑलरेडी नाम रखा ही करते हैं. अब उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे परपेंडिकुलरली फॉल किया है, ठीक है. अगर परपेंडिकुलरली फॉल करेगा, द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल पास थ्रू द पोल, इट विल पास थ्रू एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. एक बार दोबारा स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा. नलिनी ड्रॉज ए रे डायग्राम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कंकेव मिरर. कंकेव मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट रख दिया, वहां से उसने रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया. लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है कि एक्सटेंडेड है. आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज भी हो सकता है, ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया. हम इसको एक्सटेंडेड ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं. लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है, शी ड्रॉज ए रे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फॉलिंग ऑन द मिरर परपेंडिकुलरली. यहां से एक बात साबित हो जाती है कि अगर आप यहां से रे इधर करोगे ना, तो वो परपेंडिकुलरली नहीं जाएगा. यहां से अगर आपका रे, आपका मान लीजिए ये मिरर है, ये रे आपका इधर चला गया और ये रे नॉर्मली इस मिरर के साथ से ट्राई कर रहा है, इसका मतलब है कि दिस ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप रेडियस ड्रॉ कर दिया करते हो, तो दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द मिरर. तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वाला मैं केस छोड़ रहा हूं, मैंने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान लिया. अब उन्होंने आगे क्या कहा था, she draws the ray starting from the top of the object and falling on the mirror perpendicularly. The ray after reflection will pass through the focus. अगर आपका ये focus है, ये C है, focus में से तो नहीं आएगी, पहली option तो नहीं बनती. Will pass through the pole, ये भी नहीं बनेगा. It will pass through the center of curvature, ये ठीक लग रहा है, because normal incidence है. After reflection ये C में से ही pass कर जाएगा. And it will pass through any point on the principal axis. ये आपका बच्चों ध्यान दीजिएगा तब बनेगा अगर आप अपना ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ले लें, तब आपका ये हो सकता है, ठीक है जी. लेकिन हमने पॉइंट साइज लिया है, वी आर नॉट फ्रॉम राइट. एटीन नंबर पेज पे एक लेट मी सी दिस. 18 नंबर पे केस स्टडी वाला. ओके, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स का. नूर ए यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क. शी केप्ट एक्स इनसाइड ए बॉक्स. एक्स कुछ नहीं, पता नहीं क्या है एक्स. एज शोन इन द डायग्राम. लेट मी सी द डायग्राम. ओके, डायग्राम मैं बना देता हूं, आप साथ साथ देखिएगा. शी केप्ट एक्स इन साइड द डायग्राम. और जो आपको डायग्राम बेटे दिया गया है, ये कुछ ऐसा है, ये एक स्केयर सा बना हुआ है और इसके अंदर एक यहाँ पे लेटर एक्स लिख दिया उन्होंने और ये दो रेज ऐसे आ रही हैं, उन्होंने एरो हेड बनाए हुए हैं.
दिस इज रे नंबर टू, ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रे नंबर वन, और यहाँ पे आपका रे नंबर टू है, और यहाँ पे आपका रे नंबर वन ऐसे लिखा हुआ है। डायग्राम देखने से ऐसे लगता है कि रेज आपकी अनडिविएटेड जा रही हैं, डिविएट नहीं हो रही है। ठीक है जी, देखने से डायग्राम ऐसे लग रहा है, बाकी देखते हैं वो क्या कहते हैं। नूर, ए यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क। शी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स एज शोन इन द फिगर एंड विद द हेल्प ऑफ द लेजर प्रिंट लेजर पॉइंटर मेड लाइट रेज पास थ्रू द होल्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स। शी हैड ए स्मॉल बटर पेपर स्क्रीन टू सी द स्पॉट्स ऑफ लाइट बीइंग कास्ट एज दे इमर्ज्ड। ठीक है जी, उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे कुछ लेजर लाइट को ये दो होल्स पे स्ट्राइक करवाया गया है, और यहाँ पे कुछ बटर पेपर, कुछ पेपर वगैरह स्क्रीन उन्होंने यूज किया है बच्चों ने, और उस पेपर पर ये दो स्पॉट्स बन गए हैं लाइट के, और उनको पता चल गया कि लाइट होल्स में से पास करके आगे निकल गई है। ठीक है जी, अब वो आपको पूछना क्या चाहते हैं, वट कुड बी द एक्स दैट शी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन। एक्स क्या हो सकता है, मैं उसकी ऑप्शंस नहीं पढ़ता, अभी मैंने नहीं पढ़ी है, आप ही सजेस्ट करिए कि रेज आपकी अनडिविएटेड जा रही है, क्या होना चाहिए। मिरर, उन्होंने लिखा है ए कन्वर्जिंग लेंस, ये तो नहीं कर सकता। ए पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, ये कर सकता है। प्लेन मिरर, ये तो ब्लॉक कर लेगा, रेज को जाने ही नहीं देगा। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये भी नहीं जाने देगा। तो बेटे डायरेक्टली ये फिर आपका पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक ही आएगा। ये पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक आपका कुछ इस तरीके का होगा, अगर आप नॉर्मली रे इस पे फॉल करवा रहे हो तो बिकॉज थिकनेस मीडियम की बराबर ही है, आपकी रेज जो है रिफ्रैक्शन सफर करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में ऑन द अदर साइड ऑब्टेन हो जाएगी। अगर आप कोई भी लेंस यूज करोगे वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, अगर मिरर रख दोगे तो वो आगे जाने देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ट्रेंगुलर आप जैसे प्रिज्म कह रहे हो तो वो आपकी रेज को फिर फर्दर डिविएट कर दिया करता है, दैट विल आल्सो नॉट बी पॉसिबल। राइट जी, सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का ही है ना ये भी। शी मेजर्ड द एंगल्स ऑफ थिकनेस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 डिग्री। शी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 डिग्री। का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बना दू ये, तो ये एंगल जो है 48.6 डिग्रीज के बराबर आपको दे दिया हुआ है। शी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल एक्स इन साइड द बॉक्स वॉज 1.5। ग्लास है तो ग्लास का म्यू तो 1.5 रहेगा ही रहेगा, है ना बेटे। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये आपसे डिमांड की गई है। आइए थोड़ा सा स्नेल लॉ अप्लाई करके देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर, बेटे हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 3/2 या 1.5 दिया हुआ है। साइन ऑफ एंगल 48.6 है, साइन ऑफ एंगल आर आपको निकालना है। साइन 45 कितना होता है, हाँ जी दिया हुआ है,
ये आपको बेटे ध्यान दीजिएगा, दिस इज गिवन टू बी 0.75 और साइन आर आपको चाहिए, आपको निकल ही जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपको एग्जैक्ट निकल जाएगा। साइन आर आपका 0.75/1.5 आ गया, दिस इज 1/2, ठीक है जी। कौन सा साइन 1/2 होता है? 30। तो आपका एंगल आर डियर चिल्ड्रन एब्सोल्युटली 30 डिग्री आ गया, इसमें अंदाजा नहीं एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारी, राइट। ठीक है जी, अगला भी इसी का है पार्ट। हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन। हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन। नंबर वन, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर। गलत है ये बात, है ना, ये उसके फ्रेंड ने गलत अंदाजा लगाया है ना। दूसरी बात, एयर एंड ग्लास अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी। गलत है, ठीक नहीं है। ग्लास में स्पीड बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम होगी, राइट। तीसरी बात है, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास। इस बात में दम है ना। चौथी बात, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू डेंसर मीडियम इज फास्टर देन दैट ऑफ अ रेयरर मीडियम। पांचवा पॉइंट है, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू इन द फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मटीरियल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम, ये वाला, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम, ये वाला, राइट। इट गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मटीरियल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ठीक है, ये बात भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्क स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो आपको साथ साथ ही बता दिया मैंने, अब देख लीजिएगा कौन सा नंबर कैसा है, राइट। और बच्चों कोई अच्छा, एक और है अभी भी, देखिए और भी देखिए, कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, इधर इधर इधर, आप कहीं और पहुंच जाते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ द मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, देन लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस। लेटरल शिफ्ट फिर कम होनी थी, उन्होंने कहा है कि अगर म्यू आपका 1.5 से कम होता। सेकेंडली, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन मोर। लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन सेम इफ देर इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू कमेंट ऑन एनी वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? लेस होता बिकॉज बेटे लेटरल शिफ्ट जो है प्रेजेंटली देखिए आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो मैं निकाल के बता दूं रिलेशनशिप आपको। निकाल दें, क्या बात हो रही है। चलिए देख लीजिएगा, थोड़ी सी बात डिस्कशन की है, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स बेटा। आपका ये बेटा ग्लास स्लैब आपने देखा कभी लैब में कि नहीं? आप लैब में ही नहीं गए हैं ना, चलिए लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे ऐसे चला जाना था, लेकिन ग्लास स्लैब है, ये ऐसे नहीं जा रहा। यहां पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये रिफ्रैक्टेड रे
यहाँ पे फिर से नॉर्मल आ गया, एमर्जिंग रे ये आ गया, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आर, ये एंगल ई, और बच्चों थिकनेस आपका ग्लास स्लैब का टी मान लिया हमने, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को यहाँ से ओ ओ डैश, और ये पॉइंट आपका एल कह लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसको एम कह दो, ये एंगल कितने का होगा जरा बता सकते हो? ये वाला, ये इट विल बी आई माइनस आर होगा है ना, क्योंकि ये देखो ना बच्चों सारे स्टूडेंट्स देखिएगा, ये आई है तो ये भी सारा आई होगा, बीच में से आर माइनस कर दिया तो इट मस्ट बी आई माइनस आर। आप क्या ट्रायंगल ओ एल एम देख पा रहे हो सारे बच्चे? ट्रायंगल ओ एल एम देख पा रहे हो ना? इसमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कल भी हमने आई थिंक बात की थी, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप कहते हैं, इसका मतलब है एल एम डिवाइडेड बाई ओ एल, ये साइन ऑफ एंगल आई माइनस आर हुआ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एल एम आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं डी कह देता हूं। ओ एल किसके बराबर है पता ही नहीं है हमें, किसके बराबर है, साइन आई माइनस आर आ गया, इसका मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट बन गया ओ एल साइन आई माइनस आर। ओ एल का पता लगाने के लिए अब क्या करें, ओ ओ डैश एल ट्रायंगल को देखिए, ओ ओ डैश एल दिख रही है ट्रायंगल, दिख रही है ना, इसमें कॉस आर जरा लिखवाओगी खुशी किसके बराबर है, इस ट्रायंगल में कॉस आर किसके बराबर है बेटा? वो तो है ही है, बेस कौन सा है आई, बेस इज ओ ओ डैश डिवाइडेड बाई ओ एल नहीं करेंगे, बैठिए ओ ओ डैश किसके बराबर है टी है ना, तो आप लिख सकते हो टी डिवाइडेड बाई ओ एल इट इज कॉस ऑफ आर, ओ एल इट इज टी बाई कॉस आर, यहां पुट कर दूं, डी आपके पास आ जाएगा, ओ एल आपके पास था टी डिवाइडेड बाई कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, ठीक है, डी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, डी सीधा सीधा ग्लास स्लैब की थिकनेस पे डिपेंडेंट है, यहां पे उन्होंने थिकनेस की बात तो नहीं की, उन्होंने किसकी बात की है, उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता तो है ना क्या इफेक्ट पड़ना था, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो आपका बेटे एंगल आर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आर बढ़ेगा ना, अगर आर बढ़ेगा, आर यहां पे डिनोमिनेटर में है, कॉस आर क्या होगा कम होता चला जाएगा, डी क्या होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा, तो अगर आप इस तरीके से सोचें आपका डी जो है इट विल बी अफेक्टेड। फिर से ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस जीरो कितना होता है वन, कॉस थर्टी कितना होता है या सिक्सटी कितना होता है, कॉस सिक्सटी कितना होता है, इसका मतलब है जैसे जैसे एंगल को साइन का बढ़ रहा है उसकी वैल्यू कम हो रही है, अब आपका आर देखो मीडियम जब रेयरर हो गया आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा ना, अगर आर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर आपका जो है ये क्या होता जाएगा छोटा, कॉस जीरो वन है कॉस सिक्सटी वन बाई टू है तो कम हो रहा है ना, इसका मतलब है डी बढ़ जाएगा, और यही बात को ये भी जस्टिफाई करता है, साइन ऑफ एंगल जीरो कितना होता है जीरो, साइन 90 कितना होता है वन, तो आपका आर जब बढ़ेगा एंगल आई आपका कम हो रहा है और डी आपका कॉरेस्पॉन्डिंगली कम होता जाएगा, डायरेक्ट डिपेंडेंस है,
आर आपका बढ़ रहा है ना, सो ये दोनों फैक्टर्स आपको देख के चलने पड़ेंगे, राइट बेटा? एनी अदर क्वेश्चन बेटा, एनी अदर पॉइंट? हाँ जी बेटा, किसी भी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो? दैट्स ऑल? है तो कोई बता दो। चलिए बेटे, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माई साइड, ठीक है जी? बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जाम्स बेटा।